मोदी, ओनली मोदी। मैं तो दिल से कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। We are on a to try and understand what do the people of Rajasthan want as they vote on the 7th of December for a new governance. Is it going to be BJP again, or is it going to be Congress that will take over the reins? But what is the future going to be all about? News Mobile is on its way to Jaipur in this train, and we are going to be talking to people, trying to understand ki aakhir wo kya chahte hain, dekhte hain ye sab kya hota hai. पर अगले दो दिन हम आपको सड़कों पे, नुक्कड़ पे, चाय के चर्चे पे या कचौड़ी खाते हुए हर आदमी, औरत और हर जने से सड़क पे यही पूछेंगे कि आखिर अगली सरकार किसकी है। I want Modi to be in power because as such the rule and the dignified things that he have been doing certainly for the society is something incredible. But I don't want Vasundhara Raje to be there. So, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कहाँ वोट डालेंगे अपना राजस्थान में? जयपुर। जयपुर में। और आपका वोट कीमती वोट किसको जाने वाला है इस बार? अभी तो position is very ticklish. It's not clear which party will come. Right. BJP. Any particular reasons? Yeah. So any particular reason, like so I visited Jaipur last time. So what I noticed, they are like they are providing Annapurna type of services, which is like delivering food in the low price. So I thought like it's a nice concept, which is like delivering it. It's really necessary in Rajasthan actually. I saw like there are a lot of like bunch of people like those who can't afford the foods, and they are providing these type of facilities. So it's pretty obvious like I'm gonna like focus on that area. And आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? बीजेपी। एनी पर्टिकुलर रीजन? आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम दो टेन्योर दें कोई भी गवर्नमेंट को। वी नीड लाइक 10 ईयर्स, एंड शी हैज़ नॉट डन अ ग्रेट जॉब, बट वी स्टिल वांट टू गिव हर अनदर चांस। अभी वसुंधरा जो है कोई बड़ा मेजर चेंजमेंट कुछ किया नहीं है। ये अपने अपने चांसेस लेते हैं हर साल, कभी गहलोत को मिल जाता है, कभी इसको मिल जाता है, ये चांसेस ही ले रहे हैं लोग, राइट? तो अभी मेरा मूड ये है कि मैं नोटा दबा दूं। इलेक्शन 7 दिसंबर को आने वाले हैं, 11 को काउंटिंग है, क्या होगा आगे जाके? बीजेपी का तारा चमकेगा और इज इट गोइंग टू बी कांग्रेस दैट विल कम फॉरवर्ड एंड टेक द मेंटल ऑफ गवर्नेंस इन राजस्थान। सीनियर कांग्रेस लीडर विद मी सुरेश मिश्रा जी, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। सुरेश मिश्रा जी काफी सालों से कांग्रेस के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आप हमें बताइए कि अभी कांग्रेस का कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं और जिनसे कांग्रेस को काफी आगे फायदा होने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के शासन में जनता परेशान हो चुकी है, चाहे हम बात करें देश में नोटबंदी की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें, हम बात करें किसान की, बात करें महिलाओं की, बात करें बेरोजगारों की, कहीं कोई वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। उसी का नतीजा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जनता तय कर चुकी है, मन बना चुकी है कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ में भाजपा को इस पर हराना है और कांग्रेस को जिताना है। तो अभी जैसे हमारे साथ अभिनव बांटे हैं। अभिनव इज अ वेरी लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट इन राजस्थान, एसोसिएटेड एट सीनियर पोजीशंस विद मेनी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। अभिनव, अभी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट हैज बीजेपी डन गोइंग फॉरवर्ड, वेदर इट्स बीजेपी और कांग्रेस, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रीज इन राजस्थान? सो बीजेपी हैज कम अप विद टू बिग इनिशिएटिव्स लास्ट ईयर, व्हिच इज जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन, and both being a big change for the country. So a lot of small traders, small companies have suffered in terms of getting their business in line. Right. However, bigger organizations have not suffered much. So the policies which BJP has come up with, of course there are big changes, but at this moment I think it will hurt the sentiments of BJP winning the elections, and Congress will definitely get an advantage out of it. I think it's going to be a very, very crucial elections, and Congress has an upper hand at this moment with all the issues in the current scenario. Right. Also, Mr. D.S. Bhandari, he is the Vice President of the Chamber of Commerce. So what I want to find out is that right now there is a lot of thing happening of national agendas. बहुत लोग आ रहे हैं national agenda की बात करें, ऐसा तो नहीं कि उस पूरे चक्कर में जो actually state के agenda है वो lose होते जा रहे हैं? That's what I personally feel actually.
कि आप ये देखिए कि स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, ये इस समय नेशनल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कंट्री के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। कंट्री के इलेक्शन हो, आप कंट्री के इशू लीजिए, पर इस समय तो राजस्थान में क्या प्रॉब्लम है, राजस्थान की किसानों की प्रॉब्लम है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसी तरह से जो क्रॉप इंश्योरेंस विच बिकम ए वेरी बिग हॉक्स एक्चुअली, कि सैकड़ों करोड़ों रुपए का प्रीमियम किसानों को चुकाने के बाद में क्रॉप का जो डैमेज नहीं मिला, द प्रोसीजर इज सो कंबर्सिबल। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो एक असंतोष जो एक पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि इस समय इन सारी चीज़ों का फ़ायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। तो मिश्रा जी, एक बात बताइए, ये सारे इश्यूज हैं जैसे उन्होंने बताया, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, किसानों की प्रॉब्लम, वाटर, ये सब चीज़ों को, ये तो ऑलरेडी है, ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं। ऐसा क्या कांग्रेस कर सकता है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो ये सारे इश्यूज कम हो जाएं? देखिए, हमने अभी दो दिन पहले हमारा मैनिफेस्टो भी दिया है और उसमें साफ कहा कि हर वर्ग के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे राजस्थान खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। कुछ दिन आए, बल्कि बुरे दिन आ चुके हैं लोगों के, आम गरीब आदमी परेशान है, उसको हर प्रकार से राहत देने का काम करेंगे। अब देखिए, बीजेपी जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, कभी हनुमान जी की बात करते हैं, कभी राम जी की बात करते हैं, अब राम जी भी उनकी मदद करने नहीं आएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत बड़ी शिकस्त खाने वाली है। Abhinav, very quickly, what is the two things that you would want from the government that comes into power for the industries in Rajasthan? We've been talking about clean city and pollution-free city. So if the government comes in power, we want the rules to be applied. Right. And everything is in place. Only the application of rules is required. So whichever government comes into power, we want them to apply the rules. Thank you. What, according to you, from a Chamber of Commerce perspective, from commerce industries going forward, and also for the common person, aaj ek normal aadmi jo sadak pe hai, wo kaise fayda le sakta? Mera sochna hai कि जैसे जो हमारा चैम्बर है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री राजस्थान का रिप्रेजेंट करता है, इसे अपेक्स बॉडी ऑफ द राजस्थान विच इज ऑल द रेस्पेक्टिव रीजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दे आर द मेंबर्स ऑफ आवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वी नो द प्रॉब्लम्स व्हाट द ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड कॉमन पर्सन इज हैविंग। नाउ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चैम्बर इन टू द पॉलिसी मेकिंग, or whether it's pertaining to the business, whether it's pertaining to the benefit of the women, whether it's pertaining to the benefit of the farmers, वो सारी चीज़ इन्वॉल्वमेंट जो चैम्बर का एक होना चाहिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है पूरी स्टेट को, वो इन्वॉल्वमेंट हैड नॉट बीन ओवर देयर इन द पास्ट। व्हाट इज योर टेक ऑन राजस्थान? Well, I think in Rajasthan and Madhya Pradesh both, you will see a people-centric government being formed. And the people will ensure that on the 11th of December, the BJP is sent packing and a Congress government is formed in both sides. हम बात ऐसा आप देख सकते हैं, हम मिस्टर कालीचरण शराफ जी की रैली में हैं। ऐसे दो तीन क्या चीजें हैं जो आपको लगता है बीजेपी के फेवर में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने जिताया था और पिछले पाँच साल में जो काम हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, वो इतने काम हुए हैं कि 70 साल में काम नहीं हुए। और ये पहली मुख्यमंत्री है आदरणीय वसुंधरा जी कि उन्होंने 70 साल के इतिहास में पहली बार जनता से रूबरू होकर पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में गई और क्या क्या विकास के काम किए हैं उसके बारे में जनता को बताया। इसलिए जनता उत्साहित है और उन्होंने तय कर लिया है कि राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। और कई मुद्दे हैं, जैसे कांग्रेस काफी बोल कह रहे हैं जीएसटी के बारे में, डीमोनेटाइजेशन के बारे में, जो फार्मर्स हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नोटबंदी का जहाँ तक सवाल है, उसमें जो कांग्रेस के नेताओं ने जो बिना हिसाब का पैसा अपने घरों में जमा कर रखा था और वो सारा खत्म हो गया, इसलिए उनको तकलीफ है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अर्चना जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अभी क्या लग रहा है कि आज जो अभी चल रहा है, जैसे बीजेपी अभी है, ऐसे कौन से दो तीन मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस को फायदा होगा और जो बीजेपी नहीं फुलफिल कर पाई है? कि बीजेपी ने कोई भी प्रॉमिस जो है उसको फुलफिल नहीं किया, कुछ भी डिलीवर करने में सफल नहीं रही है। और बीजेपी का शासन जो है वो कुशासन के रूप में स्थापित हुआ, यहाँ पर महिला उत्पीड़न बढ़ा, भ्रष्टाचार, महंगाई संस्थागत हो गया और अपराध को भी इन्होंने बढ़ावा दिया, महिला उत्पीड़न चरम पर है। तो ये सारी स्थितियाँ जिससे जनता में इनके प्रति उच्चाटन हुआ है। और हमने एक सशक्त विपक्षी भूमिका निभाई, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं जिसके आधार पर हम मैदान में आए हैं, हम लोग अपने रोल को हमने जो पॉजिटिवली प्ले किया, जनता का विश्वास जीता। आपने देखा हमारा डिबैकल हुआ था 13-14 में, उसके बाद जो वोट परसेंटेज
हमारा बढ़ा और हमने धीरे धीरे हमारे उपचुनाव जीते, निकायों के चुनाव जीते, पंचायत राज के चुनाव जीते और स्थितियाँ ऐसी की जनता हम पर विश्वास और उन पर अविश्वास करने लगी। देखिए कुछ फैसले ऐसे होते हैं सरकारों के द्वारा जो जनता के ऊपर कार्पेट बॉम्बिंग की तरह देखा जाता है, हालांकि वो जख्म भरे नहीं जा सकते लेकिन सुधारों के आधार पर जनता को राहत दी जा सकती है। हमारा कमिटमेंट है कि जीएसटी को हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हमारा कमिटमेंट है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए हम अपनी पॉलिसीज लेकर के आएंगे, हमारा कमिटमेंट है कि हम रोजगार सृजन करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। तो हमारा मैनिफेस्टो है, लीगल डॉक्यूमेंट हम उसको बनाते हैं, कैबिनेट से पास करवाते हैं, जनता को हम पर विश्वास है। इसलिए आप देखिए सड़कों पर लोग हमारे साथ हैं, वो लोग जाते हैं तो भी उनको नकारा जा रहा है। तो सुमन जी आप बताइए कि अभी 7 तारीख को एकदम इलेक्शन आ गए हैं, एकदम सर पे है, कैसा चल रहा है बीजेपी की लहर राजस्थान में? मुख्यमंत्री ने वो हितकारी योजनाओं को लॉन्च किया जिसमें महिलाओं को लाभ मिला, युवाओं को लाभ मिला, पानी का जल स्तर राजस्थान में जो नीचे था वो ऊपर आया, तो बेसिक नीड्स और एक भामाशाह स्वास्थ्य योजना जो थी वो गरीब को 30,000 से लेके 3 लाख का जो लाभ मिला वो बहुत ही जनहितकारी है। आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं तो पूरे इंडिया में जैसे बात चल रही है सेफ्टी सिक्योरिटी स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड, उसका राजस्थान में क्या डिफरेंट है? 2013 में जब हमने ज्वाइन किया था उस समय 2013 में राजस्थान में वीमेन एट्रोसिटीज नंबर 2 पे था, आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो राजस्थान में वीमेन एट्रोसिटीज नंबर 5 पे है, तो डेफिनेटली हम लोग इस बढ़ रहे हैं सुरक्षा की ओर। As you can see, we're outside the residence of the Chief Minister of Rajasthan, Vasundhara Raje Sindhya. There is a lot of action happening in Rajasthan. We have spoken to senior leaders of both the parties, Congress and BJP. We've spoken to top industrialists, people who are decision makers, who are involved in the decisions that are finally going to take place in Rajasthan. But now the most important part is to talk to the people of this city to find out what is the local pulse. My colleague Abhit Raghav is in Jori Bazaar, jo yahan ka sabse famous aur sabse populated area hai. He is going to be talking to people on the road and find out kya wo BJP ko support karte hain ya Congress ko. Thank you, Shipra. So, as you can see, like I am at Hawa Mahal, and it's the iconic hotspot of Rajasthan and Jaipur, to be more specific. So now we'll move towards Zahari Bazaar and see like what is the mood among the people, whether they vote for Congress or BJP. Let's check it out. Yeah, जी आप जो भी चुनाव आने वाले राजस्थान में, तो उन किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? कांग्रेस को देंगे। ऐसा क्यों? क्यों हम जनता के लिए उसने कुछ नहीं किया है भाजपा ने। विकास करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे कोई भी हो जाए। सही बात है। जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय हमारे। तो आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव आ रहे हैं तो कौन विकास कर सकता है जो आपको संतुष्ट? पहले हमने बीजेपी को भी वोट दिया, कोई खास विकास लगा नहीं, अब आगे दूसरी को चांस देंगे, हो सकता है कांग्रेस को दें या निर्दलीय को दें, उसी तरीके देंगे। अभी तो जो काम करेगा हम तो उसी को वोट देंगे। बीजेपी क्या करेगा? लाइकिंग है बीजेपी, अच्छा काम करके दिया सारा। मैं फिलहाल सपोर्ट फिलहाल किसी भी नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल ये फिलहाल हमारा है कि अब की जो मोदी जी को वोट हमें नहीं देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि गरीब के लिए क्या करा, गरीब तो परेशान ही रहा है कि नोट बंदी करी, फिर भी क्या बड़े आदमी तो लाइन में लगे नहीं, सारी परेशानी गरीबों के ऊपर आई। बीजेपी। ऐसा क्यों? मोदी, ओनली मोदी। बताएंगे कांग्रेस को? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सर जब ये आई ना नोटबंदी हुई है जीएसटी वजह से कारोबार में वफा पड़ गया। अच्छा। और महंगाई हो रही है। अच्छा। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। सर देखिए पार्टी तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन बेसिकली हम सपोर्ट करेंगे मोदी को, क्योंकि जो भी है आज ना तो कांग्रेस पार्टी किसी को सपोर्ट करती है ना बीजेपी करती है, लेकिन देश के हक के अंदर बेटर है, हम चाहते हैं कि मोदी इज अगेन। कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। ऐसा क्यों? मोदी जी ने जो काम वादे करे थे सर वो काम कुछ भी नहीं होया। किसको वोट? जो पार्टी काम करेगी वोट उसी को मिलेगा। हम पार्टी नहीं, हम कैंडिडेट देखते हैं। हम तो देखो क्या क्या पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जो पार्टी में मतलब कोई से भी पार्टी तो कुछ करते तो है ही नहीं, अब देखते सोचे नहीं। भाजपा इज अवर फेवरेट यू नो पार्टी बिकॉज आई डोंट थिंक सो द कांग्रेस इज गोइंग टू वेल, बिकॉज राहुल गांधी वॉज ऑसम मैन बट आई डोंट थिंक सो दे आर स्पीक एज वेल अकॉर्डिंग टू मी। मोदी इज ऑसम। सर पार्टी तो चाहे कोई भी हो, ये तो हर तरफ क्या राजनीति चल रही है, सब अपना सिर्फ उल्लू सीधा करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी या आप आएगी, जो भी आएगी, जिसके हाथ में सत्ता होगी ना बस वही राजा है यहाँ पे।
मैं तो दिल से कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक कांग्रेस अच्छा काम करेगी, आपके मुताबिक बीजेपी अच्छा करेगी, आप दोनों की अपेक्षाएं क्या क्या हैं वो बताइए, और आपको क्या लगता है कौन आपकी अपेक्षा पे खरा उतरेगा? सर अभी तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी भी अच्छा काम कर ही रही है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दे रखी है हर तरफ। अब जैसे ये एक अभियान चला था स्वच्छता अभियान, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी कूड़ा कचरा वगैरह कुछ भी नहीं, कांग्रेस के टाइम पे ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। और उसके अलावा जैसे रोड का काम वगैरह भी चल रहा है, मेट्रो का काम भी चल रहा है, सारी चीज़ें देखो काम तो हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं कह सकते अपन काम नहीं हो रहा। आप एक ट्रेडर हैं, आप बिज़नेस करते हैं अपना, तो आप एज ए ट्रेडर आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है थोड़ा बताइए। पिछली सरकार में था तो बहुत अच्छा बिजनेस था, और इन 5 सालों में बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है, कुछ भी धंधा नहीं रहा है हमारा। आप भी ऐसा सोचते हैं बीजेपी की सपोर्ट? सर मैं सोचता तो ऐसा हूँ, लेकिन एक अचानक से जैसे नोटबंदी जो हुई है कालाधन बाहर से यहाँ पे लाने के लिए, तो अचानक से अगर अपन किसी चीज़ को ख़त्म करेंगे तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ऐसी क्या क्या चीज़ें जिनकी वजह से आप भाजपा से संतुष्ट नहीं है? व्यापारी लोगों को व्यापार में घाटा हो रहा है, और जो नोटबंदी का कर दिया है उससे भी परेशान हैं लोग। तो जैसा आपने बोला कि आप कांग्रेस को वोट करेंगे, तो आपको कांग्रेस से क्या क्या अपेक्षाएं हैं? भाई हमको नई सरकार आएगी तो नए रोजगार मिलेगा। तो एज अ व्यापारी आप क्या क्या चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आने वाले कार्यकाल में करे? GST को थोड़ा कंट्रोल करके दे, GST से बिजनेस इफेक्ट हुआ है, थोड़ा इस पर थोड़ा कंट्रोल करें, बाकी ओवरऑल बिजनेस सुधरा है, पर GST की जो प्रॉब्लम है अभी तक प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रही है। GST की जो प्रॉब्लम है पब्लिक और इसको वो नहीं ले पा रही है इसको। अच्छा है कि लोगों को रोज़गार मिले, महंगाई कम हो। स्टेट इलेक्शन माइनर रखते हैं, लेकिन यदि हम यहाँ पर अगर बीजेपी को अगर वोट करेंगे जब ही जाकर के हमारे अकॉर्डिंग वहाँ पे मोदी जी सेंटर में आएंगे। थोड़ा बहुत वुमेन सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए, जैसे लड़कियों की रात को घूमना फिरना, ये फिर ऑटो में सेफ्टी, बसों में सेफ्टी रहना, और जिनके मतलब जो ये जो काम होते हैं मतलब जेंट्स को थोड़ा मतलब उसके लिए कानून बने, भाई जो रेप वगैरह होती है उसके लिए कानून बने। अच्छा तो यही है कि जो भी हो देश हित के लिए हो, बढ़िया हो, वसुंधरा से सभी राजी हो, पूरे राजस्थानवासी राजी हो उनसे। हर तरीके से परेशानियाँ चल रही है विजयपुर के अंदर, कारोबारी एतबार से भी बड़ी माहौल ख़राब है, और चीज़ों में भी GST वगैरह लगा है, बहुत परेशानी हो रही है, काम धंधे भी इससे थोड़े ठप हो गए। आपने देखा, हम इतने लोगों से हमने बात की यहाँ पर जौहरी बाजार में और हवा महल तक, एक बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है। There are a lot of issues on the ground level that the Vasundhara Raje Scindia government has not been able to meet. Lot of expectations that they had from the government and very little has been done. Yet, people are ready to give BJP another chance. On the same time, there are lots of traders here. In fact, Johari Bazaar is the main trading hub of Jaipur. And in a lot of trader community and the people who are on their own, who have small businesses, have at the same time also wanting to give Congress a chance. A very 50-50 vote as of now. We'll have to wait and watch what will happen. But now, let's take you to the bus stand area of Jaipur. And this is the famous Rawat Kachori. जयपुर आके अगर रावत की कचौड़ी नहीं खाई तो पूरा यहाँ का ट्रिप कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो आज हम यहाँ पर हैं बढ़िया गरम कचौड़ी खाते खाते। आप बताइए इस बार इलेक्शंस में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं, बढ़िया शासन है, दोबारा इसी की सरकार आनी चाहिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी। और कैसा रहा वसुंधरा जी का पूरा टेन्योर इस समय, जो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो सब किया उन्होंने? बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया, मेट्रो कर दिया, सड़कें वगैरह काफ़ी काम किया, और व्यापारियों को भी काफ़ी सुविधा मिली है। हाँ। और अगर कांग्रेस आ गई तो फिर तो क्या गया? अब जनता के ऊपर है, अब हम तो क्या गए। हमारा तो यही है भारतीय जनता पार्टी। पर सारे जो जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, GST हुआ, ऐसे व्यापारी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, पहले तो अब कोई नहीं, अब तो नॉर्मल हो गया, अब जो GST वगैरह बहुत कम हो गया, अब कोई नुकसान बराबर चल रहा है। स्टार्टिंग में GST लागू हुई थी नोटबंदी, उस टाइम थोड़ी बहुत दिन चला था, बराबर चल रहा है। कांग्रेस को राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ऐसा क्या है जो आपको लगता है बीजेपी गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाई है?
लोगों की जो मन जो इनकी आकांक्षाएं थी, जो भारत जो राजस्थान की जनताएं की वो थी इच्छाएं, उस इच्छाओं पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 सालों में खड़ी नहीं उतरी, उनके वादे पूरे नहीं किए, इसलिए राजस्थान की जनता का वो भारतीय जनता पार्टी से मोह हो गया। यह मेरी व्यक्तिगत एज ए वोटर राय है। आप किसको वोट, इलेक्शन आ रहा है, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? इलेक्शन में ज़्यादातर कांग्रेस को ही देना चाहूँगा, क्योंकि वो सचिन पायलट जी जो है जो अच्छे आदमी है और अच्छे काम करने वाले हैं आगे चल के, और बस तो कांग्रेस को वोट दूंगा, उनको वोट देंगे। एंड इट हैज बीन एन इवेंटफुल 2 days फॉर अस एट न्यूज मोबाइल, 2 days इन जयपुर, कमिंग बाई ट्रेन, टॉकिंग टू पीपल, गोइंग थ्रू द वेरियस मार्केट्स हियर, वेदर इट वाज जौहरी बाजार, हवा महल, गोइंग एंड टॉकिंग टू पीपल एट द बस स्टैंड, एंड ऑल्सो टॉकिंग टू एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ जयपुर, ब्यूरोक्रैट्स, पोलिटिशियंस हु आर राइट नाउ स्टैंडिंग फॉर द कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शंस, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, पीपल हु मैटर इन द चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री, एवरीबडी, वी हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल. And the verdict, to say the least, is very divided in Rajasthan. Whereas BJP is the party which has a stronghold even now, Vasundhara Raje still calls the shots. The people at the local level are happy with her. The Modi wave is very strong and people do not mind giving BJP a second chance in Rajasthan, which itself, if it happens, will be a record of sorts. On the same side, there is Congress. Congress with a new wave of energy, with this whole thing that is coming, that we want to give it a try. We want new people to come forward from Congress, take over the reins and give us and address the issues that people of Rajasthan have been handling. What will be the final verdict? That we will only come to know on the 11th of December. But right now, what we have done is bring to you the voices of the people of Rajasthan. Thank you so much for watching this special episode of News Mobile.